पीछे जो देख रहे हो आप वो है चिचम ब्रिज। इट इज़ बिलीव टू बी एशियाज़ हाईएस्ट ब्रिज। और ये रहा वर्ल्ड का हाईएस्ट पेट्रोल पंप, और स्पीति में ये आखिरी पेट्रोल पंप है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, और नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। आज काजा में मेरा दूसरा दिन है और सुबह के बज रहे 8 और टेम्परेचर है -2। हालांकि स्नोफॉल नहीं हो रहा है बट थोड़े से बादल आए हुए हैं, तो रेन का प्रेडिक्शन है और साथ ही साथ स्नोफॉल का भी प्रेडिक्शन है आज के पूरे दिन में। तो लेट्स सी, स्नोफॉल हुआ तो बहुत ही मज़े आएंगे। वैसे अभी हम कैब रेंट पे लेके नज़दीक के जो 6-7 पॉइंट्स हैं, 6-7 प्लेसेस हैं, उनको कवर करने जाने वाले हैं। ठंड काफ़ी ज़्यादा है। वहाँ पे सामने जो माउंटेन है उस पर ऑलरेडी स्नो ढकी हुई है। यहाँ से आई डोंट थिंक दिख रहा होगा। यहाँ पे बादल आए हुए हैं। रात में टेम्परेचर तो और गिर चुका था, अभी थोड़ा सा कम हो चुका है। तो अभी फटाफट से फ्रेश होके चाय पी के हम निकलने वाले हैं हमारी यात्रा की तरफ, यात्रा के लिए। तो फुल फ्रेश होके रेडी हो चुके हैं निकलने के लिए। अभी ब्रेकफास्ट करने का टाइम है, ब्रेकफास्ट भी रेडी हो चुका है। तो ब्रेकफास्ट के बाद हमारी कैब आएगी और कैब के साथ हम निकल जाएंगे। सो ब्रेकफास्ट आ चुका है हमारा। सो ऑल सेट टू गो। हमारी गाड़ी भी आ चुकी है, इको। थोड़ा सा धूप निकलने का चांसेस है, लेकिन ऊपर तो खैर बादल ही आए हुए हैं और फॉग है। सूरज भी निकला है थोड़ा सा। और ये रही हमारी गाड़ी। हाँ, पहला कौन सा पॉइंट बोला? चिचम ब्रिज। पहले हम की मोनेस्ट्री जा रहे हैं, फिर लांगजा सनसेट के लिए अच्छा रहेगा ना, फिर शाम को अच्छा रहेगा, शाम को ना। हाँ, तो लांगजा रास में। तो हम अभी किब्बर से वापस अभी नीचे काजा आएंगे, फिर जाएंगे ना। हाँ है ना, काजा पूरा तो नहीं आएंगे, बट पास आ जाएगा। अच्छा, तो लांगजा सनसेट को ही रखो। ठीक है, चलेगा चलेगा। जो भी आज लांगजा में क्या पता स्नोफॉल भी देखने को मिल जाएगा आज, है ना। ऊपर थोड़ा लांगजा। अच्छा, सर आपका नाम क्या है? चेतन। हाँ, चेतन चेतन चेतन। ओके। तो ये मोनेस्ट्री के छोटे लामास खेल रहे हैं। हेलो, व्हाट्स योर नेम? थापा? तमदेन। सो ये ऊपर है की मोनेस्ट्री, अभी वहाँ जा रहे हैं हम। ठंड थोड़ी सी बढ़ना चालू हो गई है क्योंकि अभी काजा से भी ऊपर हाइट पे आ चुके हैं हम लोग। ठंड काफ़ी ज़्यादा है, पहन लेते हैं सब कुछ। बहुत ज़्यादा ठंड है। सो ये रही की मोनेस्ट्री, ऊपर भी जाते हैं। ये तो एंट्रेंस था और व्यू देखो यहाँ से, बेस्ट ऑफ द व्यूज़। मोनेस्ट्री का एंट्रेंस। यहाँ पे टेंपल है। हल्का सा भी चढ़ाई करे ना तो सांस फूल जा रही है, बिकॉज ऑक्सीजन की कमी है बहुत। ये रहा ऑफिस। यह है प्रेयर हॉल। सो ये मोनेस्ट्री दलाई लामा जी ने इनॉग्रेट की थी 3rd of August 2000 में। तो यहाँ से ऊपर जाने के लिए रास्ता है। टेंपल है। शायद से प्रेयर चल रहे हैं। चाय ऑफर की जा रही है हमें। थैंक यू। हर्बल टी। हर्बल टी। हो जा रही है स्पीति नदी, जिसको लोसर नदी भी कहा जाता है। वहाँ पे सारे माउंटेन्स जिस पे अभी पूरा बर्फ़ छाया हुआ है। और ये रोड जिससे हम आए थे, अभी रोड की हालत काफ़ी अच्छी है की तक आने के लिए। और यहाँ पे खेती हो रही है मोस्टली। स्पीति में मटर ज़्यादा उगते हैं, तो मटर की खेती बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे। और यही मटर यहाँ से आगे दिल्ली की तरफ जाता है बेचने के लिए। सो गाइज़, ये था की मोनास्ट्री, फेमस की मोनास्ट्री। स्पीति आते हो तो ये वन ऑफ द मस्ट विजिट प्लेस है। बर्फ़ गिरना चालू हो चुका है, स्नोफॉल आ रहा है धीरे धीरे, हल्का 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 हल्का। शायद से और बढ़ेगा, होपफुली मज़ा आने वाला है। स्नोफॉल ब्रो। यस, एक्सपीरियंस स्नोफॉल इन स्पीति वैली, समथिंग व्हिच नेवर थॉट ऑफ, बट दिस इज हैपनिंग। या ब्रो, यस। तो ये था आज के ट्रिप का पहला पॉइंट, की मोनास्ट्री, विच इज़ अमेजिंगली डन। और थोड़ा बहुत स्नोफॉल भी मिला, अभी भी हो रहा है थोड़ा थोड़ा, अभी तो स्टार्ट हुआ है। थैंक यू। तो ये था की मोनास्ट्री। तो ये अभी कहाँ जा रहा है? चिचम ब्रिज। चिचम ब्रिज, ओके, नजदीक है यहाँ पे। तो ये है चिचम कीबर रोड, जहाँ पे अभी हम जा रहे हैं चिचम ब्रिज की तरफ। ये क्या है सर? स्तूपा। स्तूपा, हाँ, छोड़ते नहीं हम। ओके ओके। हर गांव से पहले आने से ये हमेशा होगा। ओके। ये गांव है किबर? हाँ, किबर ये अच्छा गांव है जी। स्नोफॉल थोड़ा अभी हेवी होने लगा है, मज़ा आ रहा है। दिख रहा है वो है चिचम ब्रिज, जहाँ पे अभी हम जा रहे हैं। इट इज सपोज टू बी सॉरी एशियाज़ हाईएस्ट ब्रिज। मेरे पीछे जो देख रहे हो आप, वो है चिचम ब्रिज। इट इज़ बिलीव टू बी एशियाज़ हाईएस्ट ब्रिज। इसका कंस्ट्रक्शन देखो। वाओ मैन। नीचे से स्पीति रिवर जाती हुई। इसकी हाइट पता कर लेते हैं, शायद से वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी। तब तक जस्ट एंजॉय द व्यू। Altitude 4145 meter above sea level. काफ़ी टूरिस्ट आ चुके हैं यहाँ पे। काफ़ी फेमस ब्रिज है। स्नोफॉल अभी भी जारी है, थोड़ा सा है लेकिन जारी है। चिचम ब्रिज